ये हुई हमारी मछलियाँ और ये पंजीरी। तो हमें हमारा ठाकुर जी का वो बन चुका है, ये धनिया पंजीरी, ये आटे की पंजीरी और ये पंच। मैं किसी में इसमें फ्राई नहीं करनी, आप इस तरीके से बना लो। हेलो फ्रेंड, आज जन्माष्टमी, सबसे पहले हैप्पी जन्माष्टमी। तो आज अभी मैं किचन में आ चुकी हूँ, तो मैं बना रही हूँ धनिया पंजीरी। तो चलते हैं किचन में। मैं बना रही हूँ धनिया पंजीरी, तो मैंने उसके लिए है एक चम्मच घी और मैंने धनिया को अच्छे से साफ कर लिया है। जो सूखा धनिया होता है जो सब्जी में डलता है वो वाला है, जो ठाकुर जी को वो भी पसंद है। तो आटे की पंजीरी तो हर किसी ने खाई है, आप इस तरीके से एक बार ट्राई ज़रूर करना, काफ़ी अच्छी लगती है। इसे हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, इसे हम सिर्फ 2 से 3 मिनट के ही फ्राई करेंगे, जिसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए तब तक हमें फ्राई करना है। तो ये फ्राई हो रहा है धनिया, तो ये ना ठाकुर जी को जैसे हम मंदिरों में जो पंजीरी खाते हैं ना, काफ़ी टेस्टी होती है। तो उसे आपने जैसे कि सोचते हैं कि आटे की पंजीरी है, तो ये धनिया की पंजीरी होती है, उसे हमें खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है और ठाकुर जी को भी बहुत पसंद है। तो हम इस तरीके से पंजीरी बना के एक बार ट्राई करके आप ज़रूर देखना, काफ़ी अच्छी लगती है और खाने में भी बहुत टेस्टी होती है। अगर आपने एक बार साथ पंजीरी खा ली ना, तो बार बार ये पंजीरी बनाने का मन करेगा आपका। तो इसका कलर चेंज हो चुका है और इसे ना मीडियम आंच पे ही पकाना है, ऐसे नहीं कि तेज़ गैस पर, नहीं, थोड़ा सा मीडियम ही रखना है इसे। तो अभी हमारे 2 मिनट हो चुके हैं, तो इसे हमने गैस को कर दिया ऑफ। कैसा तो कढ़ाई गर्म रह जाती है ना, गैस बंद हो जाए उसके बाद में, तो कढ़ाई गर्म रह जाती है, तो उसे हम थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं फ्राई। तो हमारी गैस तो ऑफ है, कलर भी बहुत अच्छा खासा हो गया इसका, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो इसे हम ना तब तक बर्तन में रख दे रहे हैं दूसरे में ठंडा होने के लिए। ले लिया है और तब तक हमने उसको धनिया को रख दिया ठंडा करने के लिए, तब तक ठंडा होता तो हम बाकी काम कर ले रहे हैं। तो हमने 1 टेबल स्पून और घी डाल दिया है। तो अभी हम ना हमारे बादाम है, बादाम को फ्राई कर लेंगे। मेरे बादाम भी हो चुके हैं, वो 1-2 मिनट हो जाते हैं, कलर थोड़ा चेंज करना होता है और कुछ नहीं करना होता। तो मैं ना 2 पंजीरी बनाऊंगी, जैसे कि एक क्या कहते हैं धनिया पंजीरी, और उसके लिए मैं डबल बार बार नहीं करूंगी, तो सारे ड्राई फ्रूट से एक बार में फ्राई कर लूंगी। और ड्राई फ्रूट ज़्यादा नहीं है, हल्के कलर ही चेंज करने हैं, देखो कितना काला काला भी हो जाता है। तो हमें ना सिर्फ 4 चम्मच ही चाहिए पूरी उसमें। तो अभी मैं थोड़ा सा काजू कर ले रही हूँ, अगर आपके पास फ्रेश काजू है, मैं तो टुकड़ में, क्योंकि ये तो वैसे भी हमें टुकड़ में यूज करना होता है। तो मैंने काजू को फ्राई कर लिया है, तो मेरे काजू भी फ्राई हो चुके हैं। इसका थोड़ा सा ही कलर चेंज करना है, ऐसा नहीं है कि जला के रख दो। तो ये हो चुका है, तो अभी मेरा मखाना रह चुका था, तो मखाना फ्राई कर रही है 1 कप, आधा कप उसमें डाल दूंगी धनिया पंजीरी में, आधा कप डाल दूंगी आटे वाली पंजीरी में। इसका थोड़ा कलर चेंज हो गया, ऐसे 2 मिनट लगती है फ्राई होने में। इसका कलर देखो चेंज होता जा रहा है, खरबूजे के बीज। मैं तो डबल पंजीरी में ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, क्योंकि जल जाएंगे, तो हल्का ही फ्राई करना है दोनों। इसमें चटक चटक की बहुत सी आवाज़ आने लगी थी। तो मेरा ये भी हो गया, गरीब हो गया और ये भी हो गया।
हम ऐसे भी प्लेट निकाल लेंगे। और इसमें सिर्फ 4 चम्मच घी लगते हैं। मैं 2-2 पनीर बना रही हूँ, तो 2 चम्मच इसमें और 2 चम्मच इसमें धनिया वाले में। तो मैंने सिर्फ 4 चम्मच घी यूज किया है। तो मैंने इसमें ना अभी मैंने उसका जो हो गया मेरा धनिया, तो अभी मैं 1 चम्मच घी और डाल दे रही हूँ इसमें। तो कम लाके 4 चम्मच हमारी घी हो चुके हैं। और इसमें जो धनिया हमने पीसा है जो फ्राई अभी भूजा था, तो उसे हमने मिक्सी में चला के पीस लिया है नए। वैसे तो हम इसे भूल चुके थे, दोबारा से इसे क्या है कि इसका जो टेस्ट है ना, अगर हम दोबारा फ्राई करेंगे इसे तो इसका टेस्ट ज़बरदस्त आता है। तो अभी भी हम 2 मिनट के लिए इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसे भी 2 मिनट के लिए धीमी गैस पर उनको फ्राई करना है। ज़्यादा नहीं, हल्का सा ही करना है, क्योंकि पहले भी मैं इसे रोस्ट कर चुके हैं, तो हमें थोड़ा सा ही चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। तो कुल मिला के हर पंजीरी में, दोनों पंजीरियों में 4 चम्मच यूज हुआ है। और आप जैसे प्रसाद बनता है मंदिरों में बढ़ता है ना, तो वो भी ऐसे धनी के ही प्रसाद होता है। वैसे भी आटे का भी बचता है, पर अभी क्या है कि धनिया का भी आप ट्राई करना एक बार, काफ़ी अच्छी पंजीरी बनती है। तो ये मेरा धनिया फ्राई हो चुका है, उसमें खुशबू भी बहुत अच्छी आने लगी है, उसका कलर भी काफ़ी अच्छा चेंज हो चुका है, आपको दिख रहा होगा। तो अब इसे हम दूसरे बर्तन में निकाल देंगे। दूसरे बर्तन में डाल दिया है और उसे पीस भी लिया, अच्छे से फ्राई भी कर लिया है। उसमें जो मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए थे ना, वो डालूंगी मैं। तो इसमें जो मैंने गरी और खरबूजे का बेस किया था, उसको मैं आधा इसमें डाल दूंगी। मेरे पास बूरा था नहीं और मैंने बूरा मंगाया भी नहीं था, तो घर में चीनी थी, मैंने उसी को ही बूरा बना लिया मिक्सी में पीस के। तो मैं इसमें आधा कप इसमें ऐड कर दूंगी। तो मेरा बूरा भी मिक्स हो चुका है। इसमें थोड़ा सा जो घाटे हैं ना, उसको हम ऐसे ही कर लेंगे चम्मच से, बिल्कुल सही हो जाएंगे। काफ़ी ना इतना अच्छा लगता है ये पंजीरी, भगवान जी को तो बहुत ही पसंद है धनिया का पंजीरी। आप ना ट्राई करना एक बार ज़रूर, और आपने एक बार ट्राई कर लिया ना, तो आप बार बार बनाओगे, इतना अच्छा पंजीरी बनता है। तो इसमें ये थोड़ा सा बूरे के जो घाटे हैं वो भी ख़त्म हो चुके हैं। ये हो गई हमारी पंचमेवा और ये पंजीरी। तो हमें ना किशमिश फ्राई नहीं करनी है, आप इस तरीके से डालोगे तो ज़्यादा अच्छी लगेगी। और जो हमने काजू फ्राई किए थे वो भी डाल दिए, और जो मखाने फ्राई किए थे वो भी डाल दिए, और जो बादाम फ्राई करने थे 10 से 15 वो भी डाल दिए। तो ये हमारी पंचमेवा डल चुकी हैं। इसमें एक हो गया नारियल, किशमिश, मखाने, बादाम और ये हो गया काजू। तो ये हो गया हमारा धनिया का पंजीरी कंप्लीट। अब बनाएंगे हम आटे की पंजीरी, और देखो कैसी लग रही है। देखो कितनी अच्छी लग रही है ना, देखने में भी बहुत अच्छी लग रही है। धनिया की पंजीरी कंप्लीट हो गई है, कोई बोल सकता है ये धनिया की पंजीरी है। तो ये बन चुकी है, अब हम आटा की पंजीरी बना। तो ये हमारा आटा मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया था, देखो काफ़ी कलर चेंज हो गया है। तो इसे सेम जैसे धनिया का हमने फ्राई किया था ऐसे ही करना है। 1 चम्मच घी डालना है और आटे को कम से कम 5 मिनट तक धीमी गैस पर भूनना है। तो ये हमारा धनिया वो आटा भून चुका था काफ़ी अच्छा, और जिसमें जो हमने ड्राई फ्रूट्स डबल डाले थे ना, तो वो हम डाल दे रहे इसमें। ये हमारी हो गई काजू, और ये हो गई हमारी किशमिश। किशमिश को कभी भी फ्राई नहीं करें क्योंकि अच्छी नहीं लगती हैं,
और आपको अगर जो भी ड्राई फ्रूट्स और भी डाल सकते हो अगर आपको डालने हैं तो, और नहीं डालने तो कम भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको ये अवेलेबल ही है कि डालने ही डालने हैं। और ये हो गए हमारे बादाम, और देखो किसमें और डाल दिए हैं थोड़ा सा, और ये हमने जो गरी और वो डाला था ना खरबूजे का भी, वो भी हो गया हमारा। और इसको हमने बोरा बनाया था ना वो भी डाल दे रहे हैं इसमें, एक कप के समथिंग। जितना आटा लेंगे उससे थोड़ा सा ही कम लेते हैं बूरा, ऐसे एक कप आटा है हमारा, तो पौन कप बूरा लेंगे। और फिर कोई मीठा ज़्यादा खाता है तो ज़्यादा भी हो जाता है, कोई कम भी खाता है, अपने हिसाब से रखें मीठा। तो ये हमारी पंजीरी आटे की भी बन के रेडी है। ये हमारी आटे की पंजीरी बन चुकी है, देखो खूब सारे ड्राई फ्रूट्स डाले हैं इसमें, काफ़ी अच्छी भी लग रही है। और ये हमारी धनिए की पंजीरी है, तो हमारे दो पंजीरी बन चुकी हैं। अब हम बनेंगे पंचामृत, तो काफ़ी अच्छी लग रही है। देखो एक बार इसमें बूरा का वो रह गया, इसे भी मिक्स कर दूंगी। तो ये हो गई आटे की और ये हो गई धनिए की। तो आप दोनों तरीके से ट्राई कर सकते हो, जो भी आपको अच्छी लगे वो बना लीजिए, वैसे दोनों ही अच्छी लगती हैं। और एक बार प्लीज़ आप धनिए की पंजीरी ज़रूर ट्राई करें, और बहुत इजी होती हैं, 4 से 5 मिनट लगती हैं कि पंजीरियाँ बन जाती हैं। तो ये बन गया हमारा ठाकुर जी का भोग, और अब बनाएंगे हम पंचामृत। हमने थोड़ा सा दही लिया है क्योंकि यहाँ पे दूध की परेशानी है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ दूध नहीं मिलता है गर्मियों में। और इसमें जो मैं मखाने अभी फ्राई किए थे वो डाल दिए, इसमें किशमिश भी डाल दिए, बादाम भी डाल दिए, ये सारी जो भी हमने हेरा अभी की थी पंच वो सारी डाल दिए। और हमारे पास गाय का दूध था नहीं इसलिए हम भैंस का दूध डाल रहे हैं, आपके पास गाय का दूध तो गाय का दूध डालना। आधा कप इसमें दूध डाल दिया, 15 मिनट, और इसमें से 1 चम्मच हमने शहद डाल दिया है, थोड़ा गंगा जल डाल दिया है, चीनी डाल दी है पिसी हुई, मीठा हो गया तो दही हो गया, दूध हो गया, शहद हो गया, चीनी हो गई, गंगा जल हो गया, अब रह गया घी। तो थोड़ा सा हम इसमें घी डालेंगे, तो हमारी 5 चीज़ें हो चुकी है हमारा, देखो काफ़ी अच्छे से बना है। इसमें भी शहद ना थोड़ा सा लगा हुआ है, तो हमने इसमें थोड़ा सा नारियल भी डाल दिया, चूका गोला, और तुलसी की पत्ती हमने डाल दी, ये हो गया हमारा पंचामृत। देखो और पंचामृत में यही शहद, गाय का दूध, तुलसी के पत्ते, गंगा जल, चीनी और थोड़ा सा घी डाल देते हैं, और पंचमेवा डालते हैं, तो वो मैंने सब डाल दिया है। हमारे यहाँ पर दूध की बहुत प्रॉब्लम है इसलिए मैंने थोड़ा भैंस का दूध यूज़ किया है ही नहीं है यहाँ पर दूध, वैसे गाय का दूध होना चाहिए। तो ये मेरा पंचामृत बन के तैयार हो गया है। देखो हमारा ठाकुर जी का भोग बन चुका है, ये धनिया पंजीरी, ये आटे की पंजीरी, और ये पंचामृत। तो ये सब बन चुका है, ठाकुर जी का भोग कंप्लीट हो चुका है। तो अभी हम खाने की तैयारी करेंगे, शाम को हमारे यहाँ पर शाम को खाना बनता है, तो हम शाम को खाने के, आज मेरा है फास्ट, तो मैं अपने लिए कुछ चाय फाय बना के पीऊँगी और कुछ खाऊँगी पीऊँगी। और मेरा प्रसाद कैसा लगा आपको आप मुझे ज़रूर बताएं, लाइक